वेलकम फ्रेंड्स, पीबीआर स्टडी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार दुबंसी आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके डिस्क्रिप्टिव जवाब। जी हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा। अभी ये क्लास शाम को शुरू हुई थी लेकिन नेटवर्क समस्या की वजह से लाइव में डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से ये वीडियो हमने रिकॉर्डिंग किया। तो हम बात कर रहे थे वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है इसको आपको बताना था, है ना? तो वेम्बनाथ झील का राइट आंसर हो जाएगा केरला में, ये हमने आपको बता दिया था। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो क्या बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश की झील कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है केरला की जो झील अगर वेम्बनाथ है तो आंध्र प्रदेश की झील कौन सी है, तमिलनाडु की झील कौन सी है, उड़ीसा की कौन सी झील है। जी बिल्कुल, इस तरह से आंध्र प्रदेश की जो झीलें हैं उनमें पुलिकट झील, कोल्लेरू झील शामिल हैं। और उड़ीसा की झीलों की बात करें तो उड़ीसा की झील का नाम है चिल्का झील। और एक बात करें दूसरा राज्य राजस्थान, तो राजस्थान में डीडवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, जय समुद्र झील और नक्की झील, इसके साथ साथ फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील आदि, ये राजस्थान की झीलें हैं। और जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें तो बुलर झील, डल झील, बैगीनाग झील, पंगोम झील और सोमोगदी झील, सोमोरादी झील, ये सभी झीलें हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो चलते हैं नंबर 17 पे, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखिए थोड़ा छोटा दिखेगा फिर भी कोशिश करिएगा समझने की। हाँ, सवाल पीछे ऊपर दिख रहा है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। देखिए ये सवाल है ना आपके सामने, कहाँ पर है, ऑप्शन आपके सामने ये नीचे दिख रहे हैं। देखिए चिल्का झील के समीप है, महानदी के मुहाने के समीप है, पुलिकट झील के समीप है, गोदावरी के मुहाने के समीप है, कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते होंगे तो कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सेटिंग से जाके क्वालिटी चेंज कर लें, बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी, मस्त वीडियो दिखेगा। अगर कोई समस्या हो रही तो निसंकोच कमेंट करें। श्रीहरिकोटा द्वीप जो अवस्थित है ना बाबू, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। अगर इसके बारे में हम डिस्क्राइब करें तो सुनिएगा, यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। ठीक है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से आपने देखा होगा बहुत से मिसाइलें, बहुत से जी जो है लॉन्च होती हैं, है ना। तो अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है, सांभर झील जो है वो किसके निकट है इन सब में से, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सभी राजस्थान के जिलों के नाम हैं। तो आप जल्दी से बताएं इन शहरों में सबसे नज़दीक जो है वो सांभर झील किससे नज़दीक है, जल्दी से उत्तर गेस करें और कमेंट करें, फिर हम आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। ओके, कमेंट्स सभी के कमेंट आने चाहिए, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी से। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर आप जानते हैं राजस्थान का एक प्रमुख शहर है। जयपुर राजस्थान के पास, माफ़ करिएगा, राजस्थान में जयपुर के पास भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। तो भूलिएगा मत, भारत की सबसे बड़ी झील है ये खारे पानी की, सांभर नाम है इसका। जयपुर की गुलाबी नगर भी कहा जाता है, नहीं समझ पाए ना, जयपुर का दूसरा नाम गुलाबी नगर है। ढेबर तथा पंचभद्रा झील भी राजस्थान में स्थित हैं जहां नमक का उत्पादन किया जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैंगून झील है, इसके निकट श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थान स्थित है, है ना, समझ गए। इसके बाद अगर बात करें लोनार झील की तो महाराष्ट्र स्थित ज्वालामुखी या उल्का निर्मित झील है लोनार झील। लोनार झील कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी झीलों से संबंधित जानकारियाँ हैं, आप वीडियो को रोक रोक करके हमारी बातों को सुन करके लिख लें और फिर वीडियो को चलाएं और फिर आगे देखें, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार नाम से ये धुआंधार है, जी हाँ, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करें। उसके पहले कुछ लाइनें देखिएगा, आप
समझने की कोशिश करिएगा। बुरे वो लोग नहीं, बुरे वो लोग नहीं जो कहते हैं कि आप अपने सपनों को सच नहीं कर सकते, बल्कि बुरे आप हैं जो आप इस झूठी बात को सच मान लेते हैं। जी बिल्कुल। 19 नंबर सवाल का सही जवाब आप लोग समझ चुके होंगे, कमेंट कर दिए होंगे, अगर नहीं किए तो तुरंत कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित यह नर्मदा घाटी का उद्गम अमरकंटक से है। नर्मदा घाटी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से। यहाँ सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। किस पर? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नंबर 20 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। इसमें से कौन है जो एक लैगून नहीं है, बाकी सभी लैगून हैं? इसका सही उत्तर आप समझ चुके होंगे, पेरियार झील। कौन सा है जो लैगून नहीं है? पेरियार झील। जी बिल्कुल सही सुना आपने। समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। पहले तो इनकी परिभाषा समझ लें कि लैगून झीलें आखिर होती क्या हैं। तो लैगून झीलें क्या होती हैं, अब आप समझ चुके होंगे क्या होती हैं। लैगून झीलें क्या होती हैं? समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें। छिछली मतलब जानते हैं, जो फैली हो, ज़्यादा गहरी ना हो, उछली जिसे बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी हो, ज़्यादा पानी ना हो, जिसे थाली बोलते हैं ना, छिछली थाली, उन्हें लैगून झीलें कहते हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। यह झील पेरियार नदी से पानी प्राप्त करती है, मतलब जो ये पेरियार झील है ये नदी के कांटेक्ट में है, इसलिए ये लैगून झील नहीं है। लैगून झील वो होती है जो नदी से कांटेक्ट छूट जाता है उनका, और उनमें थोड़ा पानी बचता है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट करें, 21 का ए होगा तो ऐसे लिखें, कैसे? ऐसे 21 ए, अगर सी है तो 21 सी, अगर डी है तो 21 डी, इस तरह का कमेंट करें, जल्दी करें। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को अपने फ़ोन में प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के और भी कोर्स और पीडीएफ फाइल चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, JOIN ज्वाइन लिख करके, और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए क्लास ज्वाइन करें। इसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर की स्टेटस को चेक करते रहें, इसमें आपको वो नए जमाने के गाने नहीं मिलेंगे, नए चुटकुल्ले मिलेंगे, क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और लिंक मिलेगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे और अपने सपनों को साकार करके एक उज्ज्वल भारत का निर्माण कर सकेंगे। आगे चलते हैं फिर, इसका सही उत्तर तो हमने नहीं बताया ना शायद? जी हाँ बिल्कुल, तो बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग समझ चुके हैं, बी नंबर ऑप्शन होगा, पंजाब और तमिलनाडु। जी हाँ, पंजाब और तमिलनाडु। भारत में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इस लौटती हुई मानसूनी पवनों से पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों में शरदकालीन वर्षा होती है, जबकि दिसंबर जनवरी में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से तथा दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसूनों से होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। रबी की फसल मतलब जानते हैं, गेहूं के लिए। अरे भाई, ठंडी में गेहूं तो बोया जाता है ना, गेहूं की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल वही नवंबर से की जाती है ना, 15 नवंबर से। जी, जो गेहूं और क्या क्या होता है, चना और मटर, ये सभी रबी की फसलें हैं, ऐसा ही तो कहा जाता है ना। और खरीफ की फसलें कौन सी हैं? अरे जो बरसात में होती हैं, धान वगैरह। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, आप लोग समझ भी चुके होंगे, 22 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मतलब समझे नहीं आप? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कोलकाता में, मंगलौर में, चेन्नई, दिल्ली, कहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? 22 का सही जवाब आप देखेंगे बस तुरंत, जल्दी कमेंट करें।
इसका सही जवाब क्या होगा जान रहे हैं? 22 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। सी मतलब जानते हैं, चेन्नई में। चेन्नई में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? चेन्नई में। जी बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए सुनिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा यानी कि 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। यह महानगर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त कर लेता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। लिपू लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है? लिपू लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। जी 23 नंबर का सही जवाब आप लोग समझ चुके होंगे, लिपू लेक दर्रा जो है वो आपके सी नंबर ऑप्शन यानी कि उत्तरांचल में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरांचल में। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित अन्य दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा। नंबर 23 सवाल आपके सामने हो चुका है, इसका राइट जवाब हो चुका है। नंबर 24 सवाल देखिए, ये भी क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? बड़ा चला, माफ़ करिएगा, बड़ा लाचला दर्रा, थांगला दर्रा, नाथुला दर्रा या जोजीला दर्रा। इन सभी दर्रों के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। जल्दी से कमेंट करें, आपके मन में क्या विचार हैं, अपने दिल की बातों को लिखें तुरंत। क्या कहते हैं आप, हो गए आंसर? हो गए जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नाथुला दर्रा। सिक्किम में स्थित जो दर्रा है उसका नाम है नाथुला दर्रा। जबकि जोजीला दर्रा की बात करें तो जोजीला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, और बड़ा लाचला दर्रा की बात करें तो बड़ा लाचला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ज्ञातव्य है कि नाथुला दर्रा भारत के मध्य भारत चीन व्यापार होता है, ठीक है।